हमारी आज की कहानी है सुहागरात है या सजा। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी सुहाग की सेज पर बैठी स्नेहा अपने अतीत में खो गई। वो मन ही मन ठान चुकी थी कि अपनी नई जिंदगी पर पुरानी यादों की परछाई तक नहीं पड़ने देगी, पर दिमाग तो दिमाग ही होता है, ना चाहते हुए भी तुलना करने लगता है और उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचता है जिन बातों के बारे में उसे नहीं सोचना होता है। स्नेहा की पहली सुहागरात तो एक बुरे सपने के जैसी थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर सपने देखती है, उसकी एक काल्पनिक दुनिया होती है जिसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। स्नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो जब 23 साल की थी तभी उसके लिए आकाश का रिश्ता आया। हर चीज़ देखने से तो प्लस में ही लग रही थी, सरकारी नौकरी, इकलौता बेटा, एक बड़ी बहन जिसकी भी शादी हो गई, इसलिए नेहा के माँ बाप को ये रिश्ता ठीक लग रहा था। लेकिन उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहते थे कि स्नेहा और आकाश एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें और फिर ही शादी हो। लेकिन आकाश के माँ बाप ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी क्योंकि उन्हें तो असलियत पता थी। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। स्नेहा अपने सुनहरे सपनों को आंखों में संजोए ससुराल आ गई, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। वो तो खुशी से फूली नहीं समाई। वो घड़ी भी आ गई जिसे सोच कर ही लड़के लड़की की धड़कनें बढ़ जाती हैं। स्नेहा लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी सुहागरात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात हो। उसने अपनी सुहागरात के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। कमरा भी सभी ने बहुत अच्छा सजा रखा था, उसकी कल्पना से भी ज़्यादा अच्छा। स्नेहा पलंग पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में आकाश कमरे में आया। आकाश को देखते ही स्नेहा पहले तो शर्म से लाल हो गई, लेकिन कुछ पल बाद ही वो हुआ जिसकी स्नेहा ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे आकाश में से दारू की बदबू आई। आकाश, जो कि आदतन शराबी था, वो आज अपनी सुहागरात पर भी धुत होकर आया था। आकाश दारू पीता है, ये बात स्नेहा से छुपाई गई थी। जैसे ही वो स्नेहा के पास आया उसका बैलेंस नहीं बना और वो बेड की दूसरी साइड गिर पड़ा। वो वहीं सो गया। ये नज़ारा देखकर स्नेहा के तो सपने चकनाचूर हो गए। कहाँ तो वो आज की रात के लिए इतने सपने संजोकर बैठी थी और कहाँ उसका पति नशे में आया और सो गया। खैर, स्नेहा बाथरूम में गई और कपड़े चेंज करके आई। वो चुपचाप बैठी बैठी बस आकाश को देख रही थी और अपने आप को जो हुआ उस बात का यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक आकाश उठा और उस पर अपना हक जमाने लगा। स्नेहा बहुत ही असहज हो गई। कैसे एक लड़की एकदम से किसी लड़के को अपने साथ ऐसा करने दे, चाहे फिर वो उसका पति ही क्यों ना हो। शारीरिक संबंध भी तभी बनते हैं जब मन से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। स्नेहा ने भी सोचा था कि सुहागरात में दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो आकाश उससे ज़बरदस्ती करने लगा। स्नेहा ने उसे खूब रोका, लेकिन आकाश कहाँ मानने वाला था। उसने स्नेहा की एक नहीं सुनी। वो सब कुछ कर लिया जो उसे करना था और फिर सो गया, क्योंकि नशे में तो वो था ही, इसलिए फिर से नींद आ गई। आकाश तो सो गया लेकिन स्नेहा की नींद ही उड़ गई। पूरी रात वो खूब रोई। उसे अपने आप पर बहुत दया आ रही थी और खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो उसे एक सज़ा जैसा लगा। वो सोचने लगी कि ये सुहागरात थी या सज़ा। अब रात तो जैसे तैसे निकल गई। जब वो सुबह उठी और नहाकर बाहर आई तो देखा कि आकाश जाग चुका था। आकाश को अपने किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसके लिए स्नेहा केवल एक बीवी थी। अब दिन भर तो रस्मों में निकल गया, लेकिन रात होते ही स्नेहा डरने लगी कि कहीं फिर से वो सब ना हो जाए
जो कल रात को हुआ। उसने सोचा कि शायद कल शादी थी, इसलिए आकाश को उसके दोस्तों ने पिला दी हो। हो सकता है आज वो ऐसा नहीं करे, पर आकाश ने तो आज भी पी ली। आज की रात फिर से उसने वही किया जो कल रात हुआ था। वो उसी तरह धुत होकर आया, स्नेहा से ज़बरदस्ती की और सो गया। स्नेहा तो अंदर तक सहम गई। ऐसे पति की कल्पना से भी एक लड़की की रूह कांप जाए। और अब स्नेहा को हर रात इसी जल्लाद के साथ बितानी थी। अगले ही दिन स्नेहा ने अपनी सासू माँ से पूछ लिया कि आकाश रोज़ पीते हैं क्या। तब सासू माँ कुछ नहीं बोल पाई, बस हाथ जोड़कर स्नेहा के सामने खड़ी हो गई। बेटा, अब केवल तुम ही उसे प्यार से बदल सकती हो। स्नेहा समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो सोचने लगी कि अब क्या करूं, घर बताऊं या नहीं, और बताऊं तो भी क्या कि शादी के दूसरे ही दिन मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूं। स्नेहा चुप रही क्योंकि वो अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहती थी। दूसरे दिन जब स्नेहा अपने घर गई, तब उसने आकाश से रिक्वेस्ट की और कहा कि आज मैं घर जा रही हूँ, आप प्लीज़ जब मुझे लेने आए तो पी कर मत आना, मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा को ये सब पता चले। इस पर आकाश ने गुस्से में कहा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, पीता हूँ, अपने पैसे से पीता हूँ, तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं। इस बात पर तो स्नेहा पूरी तरह निराश हो गई। उसने सोचा कि ये सिर्फ शराबी ही नहीं बल्कि बदतमीज भी है। स्नेहा अपने घर आ गई। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सब के सामने खुश रह सके, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। स्नेहा की माँ ने उससे जोर डालकर पूछा कि बेटा, कुछ तो बात है, सब ठीक है ना? स्नेहा ने टालते हुए कहा कि शादी की थकान के कारण ऐसा लग रहा है। वो अपनी माँ से झूठ तो बोल गई, पर उसे खुद नहीं पता था कि कब तक वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी। रात में आकाश नेहा को लेने आया। आदतन वो शराब पीकर आया, आज थोड़ी कम पी थी, पर स्नेहा के मम्मी पापा को पता चल गया। जब उन्होंने स्नेहा से इस बारे में पूछा तो उसने हाँ कह दिया, क्योंकि अब तो वो भी क्या कर सकती थी, सच सबके सामने था। आकाश का व्यवहार भी स्नेहा और उसके घर वालों के साथ कुछ खास नहीं था। खैर, आकाश के सामने स्नेहा के माँ बाप कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उनकी नींद उड़ गई। दूसरे ही दिन वो दोनों स्नेहा के ससुराल पहुंच गए और उन्होंने आकाश की माँ से सवाल किया कि आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपका बेटा आदतन शराबी है। आकाश की माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, स्नेहा के प्यार से आकाश बदल जाएगा। अब क्या हो सकता था, स्नेहा के माँ बाप भी इस तरह शादी तो तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए बस मन महसूस कर रह गए। स्नेहा ने भी यही सोचा कि मेरी किस्मत में शायद यही था, इसलिए उसने भी सब्र कर लिया। लेकिन आकाश ने इस बात को अपनी जीत समझ लिया और स्नेहा को अपनी प्रॉपर्टी। स्नेहा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, उसकी हालत खराब हो रही थी। बहुत मुश्किल से एक साल निकला। जब स्नेहा की हालत बहुत बिगड़ गई और वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई, तब उसके माँ बाप उसे अपने घर ले आए। वो तो जैसे हंसना भूल ही गई थी, बस एक बुत बनकर बैठी रहती थी। अपने ससुराल और आकाश के पास दोबारा जाने के नाम से भी वो डर जाती थी। ये सब देखकर स्नेहा के माँ बाप ने ये फैसला लिया कि अब वो समाज से नहीं डरेंगे और अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल नहीं भेजेंगे। लंबी प्रक्रिया के बाद तलाक हो गया। इन सब में 2 साल बीत गए, क्योंकि आकाश तलाक नहीं देना चाहता था और ना ही सुधरना चाहता था। स्नेहा के बुरे सपने का अंत तलाक के रूप में हो गया, पर अब वो काफ़ी गंभीर हो गई थी। उसकी उम्र 27 साल हो गई थी। उसने ठान लिया था कि जिंदगी में वो दोबारा शादी नहीं करेगी। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसने तो इतनी बड़ी चोट खाई थी। उसकी शादी ने उसे ज़िंदगी की असलियत बता दी थी। स्नेहा के मम्मी पापा ने उसे बहुत सपोर्ट किया, पर अब वो चाहते थे कि स्नेहा अपनी काबिलियत का यूज़ करे।
फिर से हंसना मुस्कुराना और जीना सीखे। उन्होंने उसे कहा कि बेटा अब तुम कोई अच्छी सी जॉब करो। स्नेहा ने शादी से पहले नर्सिंग कोर्स किया था और सोचा था कि शादी के बाद भी जॉब करेगी, पर आकाश ने उसे करने नहीं दी, इसलिए उसने उसी फील्ड में अप्लाई किया और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। धीरे धीरे स्नेहा नॉर्मल होने लगी। 6 महीने हो गए थे, अब काफ़ी कुछ सही हो गया था। उसी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, राघव। राघव को स्नेहा की सादगी भा गई। उसकी नज़र शुरू से ही स्नेहा पर थी, लेकिन स्नेहा हमेशा सबसे एक निश्चित दूरी बना कर रखती थी। उसका फोकस अपने काम पर ही रहता था, इसलिए डॉक्टर राघव उससे कभी बात ही नहीं कर पाए। पर उन्होंने उसकी सारी जानकारी जुटा ली और सीधे उससे बात करने की बजाय उसके मम्मी पापा से बात करना उचित समझा। राघव का पूरा परिवार इस फैसले से खुश था, क्योंकि वो जानते थे कि राघव ने यदि कोई लड़की पसंद की है तो वो बहुत ही अच्छी होगी। उसके माँ बाप स्नेहा के लिए रिश्ता लेकर आए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए इस प्रस्ताव पर स्नेहा के माँ बाप भी बहुत खुश हो गए। पर वे डर भी बहुत गए, क्योंकि उनका एक फैसला उनकी बेटी पर बहुत भारी पड़ा था, इसलिए इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। इस बीच 1 साल और निकल गया, पर इस 1 साल में स्नेहा ने राघव में ऐसी कोई खराब आदत नहीं देखी। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी स्नेहा को राघव पसंद आने लगा। राघव की अच्छाई स्नेहा को उसके करीब ले आई। धीरे धीरे स्नेहा अपने गंदे अतीत से बाहर आने लगी और राघव के साथ खुश रहने लगी थी, इसलिए दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। दोबारा सुहाग की सेज पर बैठकर स्नेहा बहुत घबरा रही थी। राघव को जानती थी, उससे प्यार करने लगी थी, फिर भी अंदर ही अंदर वो डर रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो आकाश उसके साथ करता था। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। स्नेहा एकदम से वर्तमान में आती है। स्नेहा को गंभीर देखकर राघव समझ गया कि वो घबरा रही है। वो अंदर आया, स्नेहा के पास आकर बैठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बोला कि घबराओ मत, मैं तुम पर अपना हक नहीं जमाऊंगा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा ही होगा। स्नेहा एक टक बस राघव को देखती ही रही और उसके अंदर का डर खत्म हो गया। आखिर ऐसा ही तो पति चाहती है हर लड़की, जो उसकी भावनाओं को समझे, ना कि उसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसकी भावनाओं को कुचल दे।